हेलो स्टूडेंट्स, अगेन एक नए वीडियो के साथ सॉल्यूशन चैप्टर में फिर से आपके सामने ऑन द टेन क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने बेटा रोल्स लॉ पढ़ा था, दो तरह केसेस का रोल्स लॉ पढ़ा था, फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड जब हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते थे किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। तो फाइनली हम आज बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। क्या मतलब आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का? भाई क्वेश्चन आने वाला है, नीट वाले बच्चे तैयार रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको दिया हुआ मिलेगा और पूछेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो बात कर लेते हैं ऐसे सॉल्यूशंस बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको लॉ को फॉलो करते हैं? रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं हर कंडीशन पे। ऐसे सॉल्यूशंस को कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा? हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशंस को? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। किसको फॉलो करें? जो रोल्ट लॉ को जो फॉलो करें, दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अब रोल्ट लॉ में क्या था हमारे पास कि ए था हमारे पास ए ए, बी बी था हमारे पास, मिक्स कर दिया तो क्या बन गया था हमारे पास? ए बी। क्या बन गया था? ए बी। मिक्स करने के बाद तो ए बी बनेगा ना। तो कौन से सॉल्यूशन हमारे पास रोल्ट लॉ को फॉलो करेंगे? ध्यान से देखिए, इफ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, इफ जो ए ए के बीच में इंट्रैक्शन है, ए ए की जो इंट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है बेटा बी बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और वो इक्वल है ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। यदि ये तीनों इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ए ए की इंट्रैक्शन, बी बी की इंट्रैक्शन और ए बी की इंट्रैक्शन, ये किसकी है? सोल्यूशन के अंदर जाकर, किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर जाकर। तो ऐसे सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करने वाले होते हैं। कौन से सॉल्यूशन? जिनके अंदर ए ए की इंट्रैक्शन बी बी की इंट्रैक्शन ए बी की इंट्रैक्शन के इक्वल आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन से सॉल्यूशन बोलने वाले हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलने वाले हैं बेटा। कौन से सॉल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग, मान लीजिए इसकी वॉल्यूम 20 ml है, इसकी वॉल्यूम 20 ml है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी ml रहेगी? 40 ml। क्यों? क्योंकि इंट्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ए ए जितने पास रहेंगे उतने ही पास बी बी है, और उतने ही पास कौन रहेगा? ए बी। तो इसका मतलब जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या रहने वाला हमारे पास? जीरो। क्या रहेगा बेटा हमारे पास? चेंज इन वॉल्यूम फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या रहने वाला बेटा? जीरो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ए की अट्रैक्शन बी बी की अट्रैक्शन के इक्वल होगी, ए बी की अट्रैक्शन के इक्वल। तो क्या कोई इंथैल्पी चेंज होगा? नहीं। तो इंथैल्पी चेंज भी क्या होने वाला बेटा हमारे पास? जीरो होने वाला है इफ सॉल्यूशन इज आइडियल। यदि सॉल्यूशन बेटा कैसा है हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। तीसरा हमारे पास बेटा कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजियोट्रोप्स नहीं बनाते, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स नहीं बनाते कौन से सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एजियोट्रोप्स का मतलब क्या है, वो आगे पढ़ेंगे जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। ग्राफ डिस्कस किया था बेटा हमने, आपको ध्यान हो तो इसका ग्राफ किस तरह से आया था हमारे पास? कुछ ग्राफ इस तरह से था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो जिन सॉल्यूशन का ग्राफ जब आप ड्रॉ करें और इस तरह का ग्राफ आए तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल मैं अभी नहीं बता रहा, ध्यान से समझिए। इस वीडियो के लास्ट में एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप तुरंत बता पाएंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल फॉर्म करेगा या नॉन आइडियल फॉर्म करेगा। तो अब बात कर लेते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, इनकी बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब बात आप ध्यान से समझेंगे, दो केस होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। कितने केस होने वाले हैं? दो केसेस। पहला केस होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। एंड दूसरा केस होगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो कैसी डेविएशन शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब है भटकना, भटक जाना, जो रोल्ट लॉ से इधर उधर भटक जाएंगे वही कौन से सॉल्यूशन होने वाले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो समझिए ध्यान से क्या होने वाला है। यदि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन कब फॉर्म होंगे? इफ, सुन लीजिए ध्यान से, इफ ए बी की अट्रैक्शन और बी बी की अट्रैक्शन, ए बी की अट्रैक्शन, बी बी की अट्रैक्शन, ए ए की अट्रैक्शन, ये तीन अट्रैक्शन होगी
ए के बीच में, बी बी के बीच में, और ये किसके अंदर होने वाली है, मिक्स करने के बाद, क्या करने के बाद, मिक्स करने के बाद। तो सुनिए, पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे, इफ बी बी की अट्रैक्शन एंड ए ए की अट्रैक्शन, ए की अट्रैक्शन और बी बी की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ए बी से, और ये भी स्ट्रॉन्ग है बेटा किससे, ए बी से, किससे स्ट्रॉन्ग है, ए बी से। मतलब कहने का ये है, ये ए है, ये ए है, प्योर ए है, ये बी है, ये बी है, प्योर बी है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मिक्स। तो ये क्या बन गया, ए बी। तो अट्रैक्शन का मतलब है, देखना, बी प्योर बी के अंदर बी को बी से टूटकर बाहर जाना है, किससे टूटकर बाहर जाना है, बी को बी से टूटकर। प्योर ए के अंदर ए को ए से टूटकर बाहर जाना है, कहां जाना है, बाहर, मतलब गैसीय स्पेस में। समझ लेना इस पॉइंट, दिमाग लगा लीजिए अपना, ये सोचने वाली बात है, और आप समझ जाएंगे तो इस चीज को आपके आइडियल नॉन आइडियल बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, बी को बी से टूटकर बाहर जाना है, ए को ए से टूटकर बाहर जाना है, जब वो प्योर है, क्या है वो, प्योर। लेकिन जब आपने उनको मिक्स कर दिया है, मिक्स, अब ए को किससे टूटकर बाहर जाना है, बी से। देखो, ए को बी से टूटकर कहां जाना पड़ेगा, बाहर। और बेटा बी को किससे टूटकर बाहर जाना पड़ेगा, ए से टूटकर बाहर जाना पड़ेगा। समझ आ पा रहे हो ना मिक्सर के अंदर, तो बहुत ध्यान से सोचो। लेकिन ए और बी की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो ए ए से भी कमजोर है, बी बी से भी कमजोर है। तो बोलो ध्यान से, ए यहां पर तो जल्दी बाहर चला जाएगा, जल्दी बाहर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा जल्दी बाहर, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन तो कमजोर है ना बी के साथ, बी के साथ क्या है, कमजोर। तो यहां पर बी भी जल्दी बाहर चला जाएगा, बी भी कैसे चला जाएगा, जल्दी बाहर। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्शन भी तो इस वाली अट्रैक्शन से कमजोर है। तो इस कहने का मतलब ये है, जब इस तरह का हमारे पास अट्रैक्शन का ऑर्डर आएगा, तो उस केस में मिक्सचर के अंदर जाकर, मिक्सर के अंदर दोनों कंपोनेंट जल्दी इवेपोरेट होंगे, क्या होंगे, जल्दी इवेपोरेट, क्योंकि मिक्सर के अंदर जाकर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो तो कमजोर हो जाएगी। अब यदि जल्दी इवेपोरेट होंगे मिक्सर के अंदर जाकर, तो उनका प्रेशर भी तो ज्यादा हो जाएगा, क्या ज्यादा हो जाएगा, उनका प्रेशर। तो देखिए, हमारे पास आइडियल सोल्यूशन क्या था, कि ग्राफ इस तरह से आ रहा था बेटा, हमारे पास क्या आ रहा था, ग्राफ इस तरह से, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ इस तरह से आ रहा था। आपको यदि ध्यान हो तो ये था हमारे पास पी नोट ए, ये था हमारे पास पी नोट बी, यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 1, एक्स बी कितना था बेटा, 0, यहां एक्स ए 0 था और एक्स बी कितना था बेटा, 1। ध्यान से देखिए, अब ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए था, इस तरह से, जिस तरह से ये बनाया गया है ग्राफ हमारे पास, ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, क्योंकि वेपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी मिक्सर के अंदर जाकर, तो मिक्सर का वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए ठीक। तो ये वाला ग्राफ अब यहां से होता हुआ कैसे चला जाएगा बेटा, इस तरह से ऊपर से जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन से नहीं जाएगा, ऊपर से कर्व होकर, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, यस और नो, ऑफकोर्स। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएट होना, मतलब वेपर प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, पॉजिटिवली डेविएट हो जाना। तो ये कौन सा केस आया हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन वाला केस आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन में आप अट्रैक्शन का ऑर्डर खुद से सोचो, खुद से सोचिए अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा। यदि बी बी की अट्रैक्शन और ए ए की अट्रैक्शन बेटा कमजोर हो जाए ए बी से, किससे कमजोर हो जाए, ए बी से, मतलब ये वाली अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। ये वाली अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। खुद से सोचो, बी बी से टूटकर जा रहा था आसानी से बाहर, आसानी से, क्योंकि ये अट्रैक्शन कमजोर है, कमजोर है तो आसानी से जाएगा। ए ए से टूटकर आसानी से बाहर जा रहा था, क्योंकि ये वाली अट्रैक्शन इससे कमजोर है। अब जैसे ही सोल्यूशन बना, क्या बना, जैसे ही सोल्यूशन या मिक्सर बना, ए और बी के बीच की अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब जो बी जल्दी से बाहर जा रहा था अब वो जल्दी से बाहर नहीं जा पाएगा, जो ए जल्दी से बाहर जा रहा था वो अब जल्दी से बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ पा रहे हो ना चीजों को, समझिए चीज को। ग्राफ पे आते हैं, कहां आते हैं बेटा, ग्राफ पे। ये रोल्ट लगा ग्राफ था हमारे पास, सिंपल सा है ठीक। यहां पर कुछ इस तरह से किसका ग्राफ था हमारे पास, रोल्ट लगा ग्राफ था,
अगेन ये क्या होने वाला है पी नोट ए, अगेन ये क्या होगा बेटा हमारे पास पी नोट बी, ये एक्स ए इक्वल टू होगा वन, एक्स बी इक्वल टू होता है जीरो, यहां एक्स ए इक्वल टू था जीरो, यहां पर एक्स बी इक्वल टू था बेटा वन। तो बोलिए अब तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ए को बी से टूटना, बी को ए से, और ए और बी के बीच की जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ कहां से आ जाएगा बेटा, नीचे से आएगा। बोले आएगा नहीं आएगा, बोले ग्राफ कहां से आएगा बेटा, नीचे से। कहां से आने वाला है, नीचे से आने वाला है ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी कहां से आ जाएगा बेटा, नीचे से आएगा ग्राफ, कहां से आएगा, नीचे से। तो ये वाला है केस जब नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ये वाला केस है जब बेटा कौन सी डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए एक बार, जो रोल्ड लॉ को फॉलो करेंगे दे आर आइडियल सॉल्यूशन, व्हिच डू नॉट फॉलो रोल्ड्स लॉ दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन केस ऑफ नॉन आइडियल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेगेटिव डेविएशन क्यों हो रही है, नेगेटिव डेविएशन ये ग्राफ भी हम क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम यहां पर एग्जांपल पढ़ेंगे आइडियल के एंड नॉन आइडियल के, नेगेटिव डेविएशन के अलग पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के अलग पढ़ेंगे, और ट्रिक अभी ट्रिक आने वाली है बेटा अगली 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। हैव अ लुक, तो चलिए स्टूडेंट्स आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या डिफरेंस हमारे पास है। ट्रिक के हेल्प से ट्रिक लिखी हुई आपको समझाएंगे क्या किस तरह से याद करना है। तो देखिए यदि अट्रैक्शन ऐसी है तो आइडियल होगा, ये केस हम पढ़ चुके हैं, अट्रैक्शन वाला केस हम पीछे पढ़ चुके हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग यदि जीरो है और डेल्टा एच मिक्सिंग यदि जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए मिक्स करने के बाद, एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए मिक्स करने के बाद, तो क्या होगा आइडियल। अब देखना कैसे कैसे ट्रिक कैसे आएगी, देखो बेटा ये पॉजिटिव है नहीं है, पॉजिटिव यदि डेल्टा वी मिक्सिंग जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा मिक्स करने के बाद, यदि वो पॉजिटिव वाला ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होता है नहीं होता, यस और नो, यदि वो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, सिंपल। यदि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में यदि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, ट्रिक है ये याद करने की, याद कर लीजिए ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव डेविएशन। आगे यहां पर कौन सी डेविएशन बेटा, नेगेटिव डेविएशन, तो इसका मतलब लेस देन जीरो होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव। एंथैल्पी मिक्सिंग क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होने वाला, नेगेटिव डेविएशन। ये एजियोट्रोप नहीं बनाएंगे, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाने वाले हैं, एजियोट्रोप्स पढ़ेंगे हम ये 5-7 मिनट के बाद, तो आप क्लियर हो जाएंगे आपकी क्यों ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कौन सा एजियोट्रोप बनाने वाले, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब इनके एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करते हैं बेटा, इसको याद करने की कोशिश करते हैं इनके एग्जाम्पल की, ध्यान से सुन लीजिए। एग्जाम्पल जेई मेन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इन एग्जांपल्स में से, इन एग्जांपल में से। तो एक ट्रिक की हेल्प से अभी सीखते हैं कि कौन सा एग्जांपल नॉन आइडियल का, कौन सा आइडियल का, और नॉन आइडियल में कौन सा पॉजिटिव का, कौन सा नेगेटिव डेविएशन का। ट्रिक है एसी एक जैसा है, एसी एक जैसा है, बस हो गया काम, एक जैसा, एक जैसा किसमें था बेटा, आइडियल के अंदर था या नहीं था बोलो, देखो ये भी एक जैसी एक जैसी एक जैसी एक जैसा आइडियल के अंदर है नहीं है, तो इसका मतलब जो आइडियल के एग्जांपल होंगे वो एक जैसे एग्जांपल होंगे, कैसे समझिए, मतलब समझिए एक जैसे का। देखो बेंजीन और टोल्विन का जो मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, अब बेंजीन का फॉर्मूला लिख लो, टोल्विन का फॉर्मूला लिख लो, बोलो इनमें बेंजीन बेंजीन एक जैसा है नहीं है, देखो बेंजीन बेंजीन एक जैसा है नहीं है, बिल्कुल है भाई। एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन का मिक्सचर जो है वो आइडियल बनाएगा, तो देखो दोनों के पीछे एन एन की साउंड आ रही है, देखो एन एन दोनों ही एल्केन है, इसका मतलब एक जैसा है नहीं है, बिल्कुल आइडियल है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल एल्कोहल, बोलिए इथाइल इथाइल एक जैसा है या नहीं है, बिल्कुल अभी एक जैसा, तो कौन सा है आइडियल बेटा। क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन बेंजीन एक जैसा है या नहीं, बिल्कुल अभी एक जैसा, तो आइडियल है। इसका मतलब दोनों यदि जो कंपोनेंट है उनमें कुछ कॉमन दिखे आपको, कॉमन एक जैसा दिखे, तो इसका मतलब एक जैसा का मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। एसी का मतलब क्या है बेटा, यहां पर ए का मतलब यहां पर एसिड से है, किससे मतलब बेटा एसिड से, और सी का मतलब है यहां पर बेटा क्लोरोफॉर्म से, किस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म से। यदि एसिड और क्लोरोफॉर्म दिखे तो नेगेटिव डेविएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। देखो कैसे, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, बोलिए एसी में से क्लोरोफॉर्म दिख गया नहीं दिख गया भाई, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर भाई, नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म दिख गया। HCl प्लस वॉटर, HCl तो एसिड है तो बेटा नेगेटिव डेविएशन। HNO3 प्लस वॉटर, HNO3 एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन। एसिडिक एसिड, एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन। आ गया
सिंपल। अब देखो ए सी, ए मतलब एसीटोन, सी मतलब क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन और यदि क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर आ जाए तो भी नेगेटिव डेविएशन होगा। बोले हो गया याद। अब जो बच गए, इनके अलावा जो बच गए वो पॉजिटिव डेविएशन अपने आप हो जाएंगे, याद ही करने की जरूरत नहीं है। बोले अपने आप पॉजिटिव डेविएशन हो जाएंगे। देखो अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए एसीटोन प्लस सी एस टू, अब इसमें इनमें से तो नहीं है ना कोई, तो पॉजिटिव डेविएशन क्या जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल। और इनकी भी ट्रिक है, यदि कहीं पर एल्कोहल आ जाए क्या जाए बेटा, एल्कोहल तो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। बस एक थोड़ा सा ये है, सिर्फ ये वाला एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा, ये वाला जिसमें क्लोरोफॉर्म है लेकिन फिर भी पॉजिटिव डेविएशन है, फिर भी कैसा पॉजिटिव डेविएशन, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म का नेगेटिव डेविएशन में एक ही एग्जाम्पल है, और वो है क्लोरोफॉर्म का किसके साथ, हमारे पर यहाँ पर सॉरी इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, और नेगेटिव डेविएशन में क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हो तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगी। तो इस तरह से आप ट्रिक की हेल्प से इसको याद कर सकते हो, एक जैसा है तो आइडियल, एसी मतलब एसीटोन क्लोरोफॉर्म है तो नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन वाला हो जाएगा। बस क्लोरोफॉर्म वाला ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो आपको याद रखना है, बाकी यदि अल्कोहल आ जाए तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो नेक्स्ट हम अभी प्रोसीड करने वाले हैं एक्सियोट्रोप्स की तरफ, एक बार देख लीजिए 2 सेकंड के लिए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास एक्सियोट्रोप्स। बिल्कुल आसान होने वाला है आपके लिए एक्सियोट्रोप। आप कहोगे सर ये क्या था एक्सियोट्रोप, था ही कुछ भी नहीं। देखिए मैं आपसे कहूं कि कोई प्योर कंपोनेंट है आपके पास, क्या है प्योर कंपोनेंट, वो बेटा फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करेगा नहीं करेगा, दैट विल बॉइल एट अ फिक्स टेम्परेचर, यस और नो। बिल्कुल भाई फिक्स टेम्परेचर पे क्या करेगा बॉइल, किसी प्योर कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, क्या होता है फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। आप समझते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर उसका जो वेपर प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, यदि किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा, सोचो। किसी कंपोनेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्या अट्रैक्शन बेटा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, दो के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो वेपर में जाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। दूसरा केस, यदि वीक अट्रैक्शन है बेटा, वीक अट्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज करेगा। प्योर कंपोनेंट बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। अब मैं कहूं कि ए और बी को मिक्स कर देते हैं, ये ए और ये बी क्या कर दिए हमने, मिक्स, लेकिन प्योर ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, और प्योर बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, प्योर बी का वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है बेटा, इनका मिक्सचर, क्या है मिक्सचर। अब बताओ जैसे आप इस मिक्सर को हीट करोगे, क्या करोगे हीट, जैसे इस मिक्सर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस जाएगा, कितना जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा इस मिक्सर का टेम्परेचर, तो बोलिए ए तो बॉइल होना शुरू हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, ए क्या करना शुरू कर देगा, बॉइल करना शुरू कर देगा, यस और नो, ए तो बॉइल होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे टेम्परेचर 100 के पास पहुंचेगा, 100 के पास, तो इसका मतलब वहां पर जाकर बी भी क्या करना शुरू कर देगा बेटा, बॉइल करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये जो मिक्सर है ये 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होने वाला है, बॉइल, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में बॉइल होगा, शुरू करेगा बॉइल होना 80 से और बॉइल होगा कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होने वाला है बॉइल। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल नहीं करते, वो फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल नहीं करेंगे, कोई प्योर कंपोनेंट ही होता है जो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, बॉइल करता है। लेकिन एज़ोट्रोप्स कहते हैं कि हम मिक्सचर हैं, हम क्या हैं, मिक्सचर, लेकिन फिर भी एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बॉइल करेंगे। तो जान लेते हैं भाई, अब तो हमारे दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी हो गई है कि ये कैसा जुगाड़ आ गया, मिक्सचर भी है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बॉइल क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं।
ट्राइजोट्रोप्स क्या हुआ बेटा हमारे पास, अब कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हुए, क्या हुए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ट्राइजोट्रोप्स को समझने के लिए मैं आपको रोल्ट लास से जो डेविएट किए हुए थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनके ग्राफ पर लेके जाता हूं बेटा, यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर मैं इस ग्राफ पर लेके जा रहा हूं आपको, एक बार पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, आप ध्यान से देखिए पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कुछ इस तरह से था। दूसरा ग्राफ था बेटा हमारे पास नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया था आपको यदि ध्यान है तो, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया था नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है। अब देखना इस पॉइंट को कंसीडर करो बेटा, इस पॉइंट को, क्या ये पॉइंट इस ग्राफ का पीक पॉइंट है या नहीं है, देखिए पीक पॉइंट है, चलिए अच्छी बात है। इस पॉइंट को कंसीडर करिए बेटा, इस पॉइंट को, क्या ये पॉइंट इस ग्राफ का सबसे डाउनवर्ड पॉइंट है या नहीं है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है या नहीं, बिल्कुल है। अब बोलिए इस पॉइंट को नीचे लेकर आओ, नीचे लेकर आइए, यहां तक आया, इस पॉइंट तक आया, इसको भी नीचे लेकर आइए बेटा जल्दी से, ठीक है, यहां तक आया पॉइंट। अब बोलिए यहां पर क्या था, एक्स ए इक्वल टू था 1, यहां पर एक्स ए इक्वल टू था 0, यहां पर एक्स बी इक्वल टू था 0, यहां पर एक्स बी इक्वल टू था 1। तो इस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे कोई ना कोई तो एक्स ए की अमाउंट होगी और कुछ ना कुछ किसके अमाउंट होगी, एक्स बी की अमाउंट, बोले होगी या नहीं होगी। इस पॉइंट पे देखिए इतना तो होगा एक्स ए और इतना कौन होगा बेटा एक्स बी, बोले मिक्स होकर बनेंगे नहीं बनेंगे, सेम यहां पर, यहां पर कोई ना कोई अमाउंट तो किसकी होने वाली बेटा, यहां पर एक्स बी की अमाउंट, और कोई ना कोई अमाउंट किसकी होने वाली बेटा, एक्स ए की अमाउंट होने वाली है, नहीं होने वाली, ठीक। अब बोलो ये कौन से डेविएशन को शो कर रहा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन को। अब ये ग्राफ ऊपर क्यों गया है, पीक की तरफ ऊपर की तरफ क्यों गया, क्योंकि जो ए बी की अट्रैक्शन थी वो कमजोर थी ए ए से और बी बी से। ये ग्राफ नीचे क्यों आया, क्योंकि बेटा ए बी की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी ए ए से और किससे, बी बी से, ऐसा ही था ना। अब ध्यान से देखो, यदि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर की बात करें हम, वेपर प्रेशर क्या है बेटा यहां पर, मैक्सिमम है या नहीं है, बोलिए इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे जो ये मिक्सचर होगा, मिक्सचर उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा या नहीं होगा, बोलो, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। तो इसका मतलब इस मिक्सचर का, क्योंकि तो मिक्सचर की बात हो रही है, पर इस मिक्सचर का इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। और क्योंकि ये मिक्सचर है, ध्यान से देख, समझ लेना इस पॉइंट को, तो इसमें ए और बी की अट्रैक्शन है, किसकी अट्रैक्शन, ए और बी की, तो बोलो है तो मिक्सचर लेकिन अट्रैक्शन तो ए और बी की है ना। ए को किससे टूटकर बाहर जाना, बी से, बी को किससे टूटकर बाहर जाना, ए से। अब ए चाहे बी से टूटे, बी चाहे ए से टूटे, तो एनर्जी तो सेम ही रूप चाहिएगी ना। सोचो इस कैप को निकालो चाहे, चाहे इस मार्कर को निकालो, बात तो बराबर है ना। तो इसका मतलब ये तो मिक्सचर है, ए और बी मिक्सचर है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जाकर ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, फिक्स टेम्परेचर पे टूटेगा नहीं टूटेगा, ये ऐसा कब होने वाला है, सब सारी की सारी ए बी के अट्रैक्शन परसेंट होगी, ए और बी के अट्रैक्शन। तो किस फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो इसका मतलब ये जो ए बी बनेगा इस टाइम पे, ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और ये एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होने वाला है, बॉइल होने वाला है। इसलिए इसको, इसके बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है ना, क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलने वाले हैं, याद कर लीजिए आप इसको। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप से क्या मतलब है, कम टेम्परेचर पर बॉइल होने वाला एजियोट्रोप। तो इसको देखिए बेटा, इस एजियोट्रोप का जो यहां पर एजियोट्रोप बनेगा, इस एजियोट्रोप की जो अट्रैक्शन है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में, वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा और इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला बेटा, मैक्सिमम होने वाला है, समझ गए। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो ये इस पॉइंट पे जो एजियोट्रोप बना है, इस पॉइंट पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन है, जिस टेम्परेचर पे ए टूटेगा उसी टेम्परेचर पे बी टूटेगा। तो इसका मतलब ये मिक्सचर होते हुए भी फिक्स टेम्परेचर पे क्या करने वाला है, बॉइल करने वाला है। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहां पर मैक्सिमम है, तो इसको क्या बोलने वाले हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलने वाले हैं बेटा। क्या बोलने वाले हैं इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलने वाले हैं।
अब डेफिनेशन पे आते हैं एजियोट्रोप की। बोलिए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर हुए? नहीं, हां जी बिल्कुल कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर हुए, फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन, ये भी तो आएगा बेटा, देखो हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि आप इस ग्राफ से एजियोट्रोप निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट को नीचे आना पड़ेगा। तो ये फिक्स हो गया है ना कि बी की अमाउंट इतनी होनी चाहिए और ए की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? इतनी। यदि आप गड़बड़ करोगे ना कि बी की अमाउंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ए की अमाउंट थोड़ी सी चेंज कर दें, तो आप इस मिनिमम पॉइंट से इधर उधर हो जाओगे, देखो ऊपर की तरफ चले जाओगे, तो इसका मतलब वो एजियोट्रोप नहीं है। वो क्या नहीं है? एजियोट्रोप। तो जब भी आप एजियोट्रोप की डेफिनेशन लिखें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हैविंग कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है। तो अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए बेटा बताइए इनमें से कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, कौन, आपको ऑप्शंस दे दें कि इनमें से कौन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाने वाला है, तो बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएंगे? जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और नेगेटिव डेविएशन वाले कौन से थे? एसी, याद करिए एसी, एसिड क्लोरोफॉर्म वाले, है ना। आपसे पूछे कि इनमें से कौन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाने वाले में कौन थे बेटा? अल्कोहल आ जाती थी तो छाट लेंगे। कौन एजियोट्रोप नहीं बनाएगा? जो आइडियल सॉल्यूशन होते थे दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, वो क्या नहीं बनाएंगे बेटा? एजियोट्रोप्स नहीं बनाएंगे। तो आयो बेटा आपको क्लियर होगा एजियोट्रोप्स। तो देखिए मैं आपसे पूछूं कि तरीके किस टाइप का एजियोट्रोप बनाएंगे, ध्यान से समझिए। एसिड वाटर में, 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 तो ध्यान से देखिए एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है तो बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या बनाने वाली है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे पास। अब देखो क्या डिस्टिलेशन के प्रोसेस से एजियोट्रोप्स को अलग कर पाएंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन किस बेस पे होता है? कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम उनको अलग करते हैं। तो एजियोट्रोप्स को अलग करने के लिए स्पेसिफिकली हमें एजियोट्रोपिक क्या करना पड़ेगा? हमें एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। देन टिल देन हैव अ लुक।